नमस्ते, मैं डिंपल शर्मा आज फिर हाजिर हूँ समाधान में आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। दिन 24 तारीख 2019 रविवार, स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र चर संज्ञक माना गया है। इसमें कोई भी चलायमान कार्य करें तो उसमें सफलता ज़रूर प्राप्त होती है। चलायमान कार्य जैसे कहीं शॉप की ओपनिंग करना हो, कोई नया कार्य आपको करना हो, या फिर वाहन खरीदना या बेचना हो, या फिर यात्राएँ करना हो, तो उसके लिए यह नक्षत्र शुभ माना गया है। आज मैं आपके समक्ष लाई हूँ क्योंकि धन की समस्या सबको रहती, जितना भी आए उतना कम ही लगता है। तो धन इकट्ठा करना और या फिर धन की बढ़ोतरी करना, इसके लिए हम क्या उपाय ऐसे कर सकते हैं कि हमारे पास धन की बढ़ोतरी हो और इकट्ठा हो। तो सबसे पहले इसके लिए सुबह सबसे पहले एक रोटी गाय को ज़रूर देनी चाहिए। दूसरा, हर बुधवार के दिन आपको गाय को हरा चारा खिलाइए। तीसरा, रोज़ सुबह अपने माँ बाप के, माता पिता के चरण स्पर्श करके ही घर से बाहर निकले। तीसरा, 7 मोरपंख लीजिए, उसमें गुलाब जल लगाइए और जहाँ पे आप अपना धन रखते हैं, कैश रखते हैं, वहाँ पे उसको रख दीजिए। तो थोड़े टाइम में आप देखेंगे कि आपका धन का आवागमन बढ़ता चला जा रहा है। उसके अलावा एक चांदी की डिब्बी लीजिए, एक उसमें चांदी का ठोस गोली लीजिए, उस डिब्बी में शहद भरिए और उसके बाद वो चांदी की जो गोली बनी हुई है, अंटी टाइप जो रहती है, उसके अंदर डाल दीजिए और उसको पैक करके तिजोरी में रख दीजिए। आप देखिए, उसके बाद आपका धन का आवागमन शुरू हो जाएगा। चलिए, ये तो हो गई आपके धन की बढ़ोतरी की बात। अब हम बात करेंगे आपकी राशियों की। देखिए, आज हमारे टैरो आपके लिए क्या लेके आए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि को आज क्या कुछ खास है, क्या कुछ नया है, आज ये देखते हैं। मेष राशि आज तो आपका दिन खूब ही मौज मस्ती में बीतने वाला है। आज पैसा आता हुआ दिख रहा है, मेहमान भी घर में आते हुए दिख रहे हैं, मगर ज़्यादा लालच अच्छी बात नहीं है। तो इस वजह से अगर आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं या कोई सौदा कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के करिए, कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा कोट करने से आपका कुछ ना कुछ नुकसान हो जाए। उस चीज़ का खास विशेष ध्यान रखिए, और स्पेशली अगर ये अगर किसी स्त्री के माध्यम से होगा तो आपके लिए बहुत फलदायी होगा। सेहत के नज़रिए से देखा जाए तो आपका दिन बहुत शुभ है। बच्चों के लिए अगर हम बात करें तो आपके बच्चों को अगर आप बाहर पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं तो हो सकता है कि ये आपके कार्य संभव होते नज़र आए। कि फिनेंस की व्यवस्था अगर नहीं भी हो रही है तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जरिए से ज़रूर होगी। सेहत आपकी बहुत अच्छी रहेगी, फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। शुभ रंग पीला भाग्य साथ देगा 80%। वृषभ राशि, आज देखें आपके लिए हमारे टैरो क्या लेके आए हैं। वृषभ राशि आज आपकी किस्मत बदलने वाली, कुछ नया आपके ज़िंदगी में होने वाला है। जो पुराना रूटीन लाइफ आपकी चल रही थी उसमें अब कुछ चेंज आने वाला है। चेंज आने वाला है मतलब आपकी लाइफ में कुछ नया लाइफ पार्टनर आने वाला है। जो अविवाहित हैं उनके लिए प्रपोज़ल आने वाले हैं, और जो लव अफेयर्स में हैं और चाह रहे हैं कि उनकी शादी जल्द हो जाए, तो उसके रास्ते भी आज खुलने की संभावनाएँ दिख रही हैं। मगर इस बात का खास ख्याल रखें कि अपने सिक्स्थ सेंस पे, जो आपके इंट्यूशंस बोलते हैं, उस पे काम करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। स्पिरिचुअल लाइफ आपकी बहुत अच्छी दिख रही है, फैमिली लाइफ भी बहुत बढ़िया है। आज कहीं बाहर मौज मस्ती के मूड में हैं, कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बनेगा। शुभ रंग आपके लिए लाल भाग्य साथ देगा 70%। मिथुन राशि, देखें आपके लिए आज कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। मिथुन राशि, आज आपकी हो सकता है कि लेग पुलिंग कुछ ज़्यादा हो। कई बार क्या होता है कि जब इंसान
कहीं ऊंचे ओहदे में बैठता है तो 10 जन उसकी बात करने वाले पहले ही खड़े हो जाते हैं। तो बेटर है इन सब चीज़ों से विचलित ना हो, अपने कार्य में आप फोकस्ड रहें और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कोई गुड न्यूज़ मिलती नज़र आ रही है, जिनका अभी विवाह हुआ है उनको गुड न्यूज़ जल्दी सुनने को मिलेंगी। और नया काम अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए। सब कुछ होते हुए भी आप कहीं ना कहीं दुविधा में रहेंगे कि हम चीज़ों को कैसे सेटल डाउन करेंगे, आप भ्रम में रहेंगे। इस भ्रम को दूर कीजिए, आपकी लाइफ बिल्कुल सेटल्ड और बहुत अच्छी चलने वाली है। आज का दिन बहुत ही शुभ रहेगा, शुभ रंग ग्रीन, भाग्य साथ देगा 80%। देखें आज कर्क राशि के लिए क्या है। कर्क राशि वाले, आज तो आपको जो काम में हाथ डालोगे उसमें सफलता मिलने वाली है। बाहर जाने का प्रोग्राम बन रहा है, विदेश यात्राओं का भी प्रोग्राम बन रहा है और फल स्वरूप ये होगा कि आपके प्लान बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं। बच्चों से संबंधी अगर कोई समस्या है तो वो आज ज़रूर उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। फैमिली लाइफ बिल्कुल बढ़िया चलने वाली है, बिजनेस बिल्कुल सेटल डाउन, स्पिरिचुअल लाइफ अगर धार्मिकता की तरफ हम देखें तो आप अच्छे धार्मिक इंसान हैं और काफ़ी हद तक उसमें रुचि रखते हैं, उसकी वजह से आपको बहुत सफलता भी प्राप्त होगी। शुभ रंग आपके लिए ऑरेंज, भाग्य साथ देगा 80%। सिंह राशि, आज देखें हम आपके लिए कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। सिंह राशि वाले थोड़े असमंजस में हैं मगर अपने कर्मों पे भरोसा रखिए, अपनी सोच पे भरोसा रखिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेंगी। कहीं ना कहीं आपका दिल और दिमाग में जो मिसबैलेंस हो रहा है उसको बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा भावुक होना अच्छी बात नहीं है, कुछ हद तक चलता है मगर फिनेंस की वाइज अगर देखें, बिजनेस वाइज देखें तो उसमें थोड़ा आप प्रैक्टिकल रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्पिरिचुअली आपके बहुत बढ़िया है, हेल्थ इश्यूज़ के हिसाब से भी अगर हम देखा जाए तो उसमें कुछ ऐसा खास नहीं दिख रहा है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम, भाग्य साथ देगा 70%। कन्या राशि, देखें आपके लिए सितारे क्या बोल रहे हैं। कन्या राशि, किसी के भी लड़ाई झगड़ों में ना पड़े तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो कई बार होता क्या है कि आपका उस लड़ाई झगड़े से मतलब नहीं हो, सारा ब्लेम आप पे आ जाए, तो बेटर है इस चीज़ से दूर रहें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज फैमिली गेट टुगेदर होने की पूरी पूरी संभावना दिख रही है। सेहत आपकी बिल्कुल बढ़िया है, नए वेंचर्स भी आपके आते हुए दिख रहे हैं। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य साथ देगा 60%। तुला राशि, देखें आज सितारे आपके लिए क्या बोल रहे हैं। तुला राशि वालों, आज आपके किसी पुराने मित्र से, जो फैमिली फ्रेंड है, जो बहुत टाइम से जिनसे आपकी भेंट नहीं हुई है, आज उनसे भेंट होती हुई नज़र आ रही है, मगर काम का बोझ शायद कुछ आप ज़्यादा ही ले रहे हैं, तो बेटर है स्ट्रेस फ्री रहें। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है जितना आप स्ट्रेस्ड आउट लग रहे हैं आज, मगर इस बात का खास ख्याल रखें कि कुछ भी करें तो चोरी छुपे ना करें वरना पकड़े जाएंगे, तो इस बात का स्पेशल ध्यान रख दीजिए। हेल्थ वाइज आपका बिल्कुल बढ़िया रहेगा, फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी है। शुभ रंग आपका क्रीम, भाग्य साथ देगा 60%। वृश्चिक राशि, देखिए सितारे आपके लिए क्या बोल रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों, कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम है, काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग्स बनी हुई है बड़ों बुज़ुर्गों की, बहुत अच्छी सेवा भाव आप में कुछ ज़्यादा ही है जो आपको आगे तक लेके जाएगा सकारात्मक की ओर। बिजनेस वाइज देखा जाए तो आपका दिन बहुत शुभ होने वाला है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट का फ्लो बना रहे तो अच्छा होता है, तो बेटर है कि चीज़ों को पकड़ के ना बैठिए, उसको चलायमान रखिए, तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। हेल्थ वाइज देखें तो आपके लिए बहुत शुभ दिन है, फैमिली वाइज देखें तो आज फैमिली के साथ बाहर जाने का भी प्रोग्राम बना हुआ है। शुभ रंग आपके लिए ब्लू, भाग्य साथ देगा 80%। धनु राशि वाले, देखें आज आपके लिए कार्ड्स क्या लेके आए हैं।
धनी राशु, धनु राशु वाले आज ऐसा लग रहा है कि मतलब बिल्कुल आपका मूड थोड़ा बिगड़ा बिगड़ा नजर आ रहा है। आप चाहते हैं लोग आपके हिसाब से हमेशा चले, मगर ऐसा हमेशा होता नहीं है। तो बेटर है कि थोड़े एडजस्टमेंट्स की आदत डालिए जो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। स्ट्रेस आउट अगर आप रह रहे हैं इन चीज़ों को लेके, तो बेटर है कि अपना थोड़ा स्ट्रेस हल्का करिए। कई बार क्या होता है, जीवन में बहुत सी चीज़ें हो रही होती जो हमें पसंद नहीं होती, मगर हम थोड़े टाइम बाद रियलाइज़ करते हैं कि हमारे साथ जो भी हो रहा था हमारे अच्छे के लिए हो रहा था। तो बेटर है उस चीज़ को अदरवाइज़ ना लें और अपना जीवन बहुत अच्छे से जिए। आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। शुभ रंग आपके लिए बैंगनी, भाग्य साथ देगा 50%। मकर राशि वाले देखें आज कार्ड्स आपके लिए क्या बोल रहे हैं। मकर राशि वालों, ऐसा लग रहा है कि कोई पिछला वेंचर आपका जो रुका हुआ था, उसमें लॉसेस हुए थे, उन चीज़ों से आप अभी उभर नहीं पाए हो। तो जो पास्ट है उसे पीछे छोड़िए और आगे की तरफ देखिए, तो आपके बिजनेस के लिए, फैमिली के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जल्द ही, अगर आप अविवाहित हैं तो आप विवाह के बंधन में बंधने वाले हैं, और कोई ना कोई आपको स्त्री संबंधी, कोई स्त्री आपके या कोई फीमेल आपके जीवन में बहुत बड़ा अहम रोल अदा करेंगी, आपके दिनचर्या को बेहतर बनाने के लिए, आपके बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि चाहे वो आपकी सोलमेट हो, आपकी मदर हो, आपकी सिस्टर हो, तो उनसे बहुत रिस्पेक्टफुली रहें ताकि आप जीवन में असफल ना हो और हमेशा सफलता की ओर बढ़ें। शुभ रंग आपके लिए ऑरेंज, भाग्य साथ देगा 70%। कुंभ राशि वालों देखें आज आपके लिए कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। कुंभ राशि वालों, आज आप कुछ दुविधा में दिख रहे हैं, क्या करें क्या ना करें। डिसीजन पावर जो है आपका थोड़ा आज वीक दिख रहा है। तो बेटर है जब ऐसे असमंजस में पड़े हुए हैं तो कोई ना डिसीजन ले तो अच्छा है, थोड़ा एक दिन उसको टाला जाए तो हो सकता है कुछ आपके लिए नया वेंचर आ जाए। इमोशनली वाइज आज आप थोड़े डिप्रेस्ड रहेंगे, हो सकता है किसी की बात आपको कुछ ज़्यादा ही बुरी लग जाए। तो बेटर है, ये लाइफ है, होता रहता है, इन सब चीज़ों पे ध्यान ना दें, आगे के बारे में सोचें, वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। आपका कहीं ना कहीं फॉरेन वेंचर हमें दिख रहा है जिससे आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। स्पिरिचुअल लाइफ आपकी अच्छी है, हेल्थ वाइज आपकी बहुत अच्छा रहेगा दिन। शुभ रंग आपके लिए ब्लू, भाग्य साथ देगा 50%। मीन राशि वाले देखें आपके लिए आज कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। मीन राशि वालों, आज तो ऐसा लग रहा है कि दान्य पुण्य का ही दिन है आपके लिए। बेटर है आज आपके यहाँ अगर कोई भी आए तो उसे कुछ ना कुछ खाने की वस्तु या फिर पहनने की वस्तु कुछ ना कुछ उन्हें ज़रूर दें, क्योंकि यही चीज़ आपको आगे तक लेके जाएगी। आपका ये कह सकते हैं कि भाग्य बदलने वाला है, तो छोटी छोटे दान्य पुण्य अगर आप इस तरीके करेंगे, अगर कोई भूखा है उसे भोजन करवाइए, वस्त्र दान दीजिए, उससे आपको बहुत राहत मिलने वाली है। मेंटली डिस्टर्ब ना होए, क्योंकि आप जिस तरीके से सोच रहे हैं चीज़ें उस तरीके की नहीं है। कहीं ना कहीं आपको स्पाइन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो पहले से ही उसके लिए प्रिकॉशंस लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपके लिए क्रीम, भाग्य साथ देगा 50%। ये तो हो गई आपकी राशियों की बात। आज की सलाह, आज की सलाह हम ये देंगे कि व्याया कोण में, जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होता है, स्पेशली किचन में कोई भी धार वाली चीज़ वहाँ पे नहीं रखें, या चाकू हो, छुरी हो, कैंची हो। अगर वो वहाँ पे रखी रहेगी तो आपस में, रिश्तों में हमेशा टकराव बना रहेगा। धन्यवाद। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी।